ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रूल नंबर 8, आपकी स्क्रीन पे रूल नंबर 8 आ रहा होगा। अब जब हम रूल नंबर 8 की बात करते हैं, अगेन हेडिंग वेटरनरी यूज। वेटरनरी यूज ड्रग की डेफिनेशन को रिकॉल करें अंडर सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज जी ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ द ड्रग एक्ट 1976। वहां पर ड्रग की डेफिनेशन में वेटरनरी यूज वाली ड्रग्स भी आ रही थी, तो वेटरनरी यूज के लिए जो ड्रग होंगी उसमें लिखा जाएगा फॉर वेटरनरी यूज ओनली। इसी तरीके से जब हम नंबर 9 की बात करते हैं, अब जब नंबर 9 की बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्लेरिफिकेशन दी है। क्लेरिफिकेशन ये दी है कि आप का जो लेबल है, सॉरी जो पैक ड्रग है, ड्रग के ऊपर बाज़ औक़ात आउटर रैपिंग होती है। आउटर रैपिंग पर किसी किस्म की कोई लेबलिंग होनी चाहिए या लेबलिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ जो मेंशन किया है, इन्होंने कहा है कि अगर जो भी उसका रैपर होगा, केस होगा, कवरिंग होगी, ट्रांसपेरेंट रैपर, ट्रांसपेरेंट रैपर पे ज़्यादा जोर है, इस पे आप गौर कीजिएगा। ट्रांसपेरेंट रैपर अगर कुछ है तो उस ट्रांसपेरेंट रैपर पे आपको लेबलिंग लेबलिंग के रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होंगे। ये लिखना जरूरी क्यों था आपके जहन में, क्या आता, क्यों ये लिखना जरूरी था, क्या वजह हो सकती है कि ट्रांसपेरेंट रैपर को, हालांकि वो लेबल का पार्ट है, जो अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे वो लेबल का पार्ट है, तो इसको एग्जेम्प्ट क्यों किया गया? जो भी आपका ओपिनियन है वो शेयर कर लें, सही गलत की बात ही नहीं हो रही है, ओपिनियन तो शेयर सर? करना बनता मुझे है। जी लगता है उसके अंदर एक्चुअली जो हमारी जो ड्रग है जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें से देख सकते हैं, तभी उसके ऊपर लेबलिंग की जरूरत नहीं है। नहीं, लेबल तो देखिए ना, जो हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा है, रूल नंबर 3 में जो पर्टिकुलर्स हैं दैट शुड बी प्रेजेंट ऑन द लेबल। ठीक, अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि ट्रांसपेरेंट रैपर है, ट्रांसपेरेंट रैपर के ऊपर आपको किसी किस्म का कोई लेबलिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लेबलिंग के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, ऐसा क्यों है? और ये ट्रांसपेरेंट रैपर क्या चीज़ है, किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं? जो बात आप कह रही है ना वो ड्रग इटसेल्फ की बात कर रही है, लेकिन वो ठीक है, जी हम और आप तो ड्रग को देखकर मतलब ठीक है किसी हद तक गैस कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक्चुअली क्या है वो तो हमें आपको नहीं पता। नाम क्या है उसका, मैन्युफैक्चरर कौन है, बैच नंबर क्या है, वो तो नहीं है, लेबलिंग की सर, रिक्वायरमेंट। शायद जी कि वो उस पे इरेजेबल हो, मिट जाए हैंडलिंग में। जी ठीक है, सही है, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको मतलब मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिनको इस्तेमाल करके आप उसको मिटने से बचा सकें। देखिए इसमें जो मेरे जहन में ना, मैं उसे शेयर कर लेता हूँ, फिर आप लोग काइंडली ऐड कीजिएगा। देखिए एक तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको हैंडलिंग के दौरान, आपने श्रिंक रैपर्स का नाम सुना होगा कि कुछ भी नहीं, तो आप देखिए आप सुपर स्टोर पर जाते हैं ना, तो जो बड़ी पैकिंग्स होती हैं, 3 या 5 पैक्स का एक पैक बना देते हैं, 3 पैक का एक पैक बना दिया, उसे आपने एक हार्ड प्लास्टिक के साथ ट्रांसपेरेंट पैकिंग में आपने उसे रैप कर दिया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। उस पर क्या होता है कि उसके ऊपर से जो एक्चुअल लेबल होता है किसी प्रोडक्ट का वो आपको नजर आ रहा है, तो एक तो जोर इस पर हाईलाइट मैंने किया ट्रांसपेरेंट रैपर। अगर तो ट्रांसपेरेंट रैपर है जिसके थ्रू आप एक्चुअल लेबल को देख सकते हो, तो ट्रांसपेरेंट रैपर पे लेबलिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर रैपर इस किस्म का है जिसके थ्रू आप नहीं देख सकते, आपको नहीं पता अंदर क्या लिखा हुआ है या अंदर क्या चीज मौजूद है, तो उस सूरत में आपको उस रैपर के ऊपर भी लेबलिंग करनी पड़ेगी। अब अगर हम लेबल की डेफिनेशन को या लेबलिंग की डेफिनेशन को थोड़ा सा रिकॉल करें ना, तो आपको याद आएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ था टेक्स्ट में, समथिंग लाइक एनीथिंग रिटन, प्रिंटेड और ग्राफिक मटेरियल ऑन द इमीडिएट कंटेनर, ऐसे कोई वर्ड था, और रैपर ऑफ द आउटसाइड कंटेनर, ऐसी कोई वर्डिंग थी। तो वहां पर रैपर की बात थी, तो रैपर के ऊपर रैपर लेबल में शामिल होता। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया कि रैपर अगर ट्रांसपेरेंट है, आल पर नजर आ रहा है, तो फिर दोबारा प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। और इसको भी मजीद कवर कर दे कि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हैंडलिंग के लिए, पैकिंग के पर्पज के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं।
इसमें भी इस पूरे टेक्स्ट को अब अगर आप लोग पढ़ते हुए आएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मजीद किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। यहाँ पर बात हो रही है नॉन स्टाइल सर्जी के लिगेज सूचर्स की, कि इसमें क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए। टेक्स्ट एक लिखा हुआ होगा, ये वाला टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास, बस इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा है ना, इसमें बस आप एक बात का ख्याल रखें कि इसके अंदर मौजूद टेक्स्ट आप चेंज नहीं करेंगे। लॉ है, लॉ में मेंशन है, तो आपको यही टेक्स्ट लिखना है जैसे भी हो, चाहे आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन मौजूद हो आप यही लिखेंगे। तो इस वक्त नंबर 10 में, रूल नंबर 10 में बात कर रहे हैं नॉन स्टराइल सर्जी के लिगेचर सूचर्स की, इनके ऊपर टेक्स्ट क्या लिखा होगा। टेक्स्ट लिखा होना चाहिए नॉन स्टराइल सर्जी के लिगेचर सूचर नॉट टू बी यूज फॉर ऑपरेशन अपॉन ह्यूमन बॉडी अनलेस प्रॉपरली स्टरलाइज्ड। ये लिखेंगे ताकि रिमाइंडर हो कि इसे यूज करने से पहले स्टरलाइज करना है, दे आर नॉट स्टरलाइज्ड। जो स्टराइल है वो ठीक है, वो स्टराइल है, उसके पर लिखा होगा। नंबर 11 में हम जाते हैं, तो नंबर 11 में बात कर रहे हैं लेटर्स की, कि आपको स्पेसिफिकेशंस की बात करनी है ना। स्पेसिफिकेशन का वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, डेफिनेशन से पढ़ा था। स्पेसिफिकेशन के वर्ड को समझने की जरूरत हमें कहाँ आई थी, जब हम सब स्टैंडर्ड ड्रग की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। जब हमने स्पेसिफिकेशंस को देखा तो वहां पर हमें पता चला कि कुछ फार्माकोपियास हैं मौजूद जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हें मेंशन करना जरूरी है लेबल पर। तो जब लेबल पे लिखेंगे तो लेबल पे अगर आप पूरा पूरा लिखेंगे ना ब्रिटिश फार्माकोपिया या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इट विल टेक स्पेस। लेबल पे इतनी जगह नहीं होती, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि कम से कम टेक्स्ट आप लिखें, कम से कम अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा मैसेज आप कन्वे करें। तो इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि आप किस तरीके से लिखेंगे। जैसे पीपी स्टैंड फॉर पाकिस्तान फार्माकोपिया, पीएचआई इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, बीपी एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये लेटर्स आप लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब इस रूल को पढ़ के आपके जहन में क्या आता है, आप क्या समझते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन आप देंगे, आप में से कोई एक से दो लोग इसकी जरा एक्सप्लेनेशन दें, क्या मतलब बनता है। सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या होगा ये, पैकिंग ऑफ फिनिश ड्रग। इसका क्या मतलब होगा, जो अंडरस्टैंडिंग आपके जहन में आ रही है, टाइम ले लें इसको पढ़ने में, एक आध मिनट पढ़ने में लगेगा, उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग आपके जहन में आ रही है उसे जरा शेयर कर लें, क्या मतलब बन सकता है इसका। सर इसमें ये कह रहे हैं कि जो भी आपका कोई भी फिनिश प्रोडक्ट हो उसको आप पैक करें और फिर आप उसको सेल कर सकते हैं हॉस्पिटल में या क्लिनिक्स वगैरह में। अच्छा, सेल तो वैसे भी कर सकते हैं, कहीं इसमें ऐसी बात तो नहीं हो रही कि आपका जो भी फिनिश ड्रग है रेडी टू यूज है उसे आप उस कंटेनर में पैक करेंगे जिस कंटेनर में आप सेल के लिए रख रहे हैं। क्योंकि देखें अब तक जो हमने बात की है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अब तक जो हमने बात की है हम बात कर रहे थे लेबल की, ठीक है, हमने अब तक लेबल की बात की है। और लेबल क्या चीज़ है, इमीडिएट कंटेनर पे जो कुछ भी लिखा हुआ है या रैपर पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, हम अब तक उसकी बात कर रहे थे। अब यहाँ पर एक नई चीज आई है, एडिशन, अगला स्टेप, लेबल खत्म, अब बात आ रही है पैकिंग की। अब ये कह रहे हैं कि लेबल बनने के बाद जो उसे पैक करना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ब्लिस्टर, ब्लिस्टर आपने के ऊपर आपने लेबल लिख दिया, कंप्लीट लेबल, मतलब जितने 11 पर्टिकुलर हैं सब उसके अंदर मौजूद हैं। अब उसके बाद आप उसे यूनिट बॉक्स में पैक कर रहे हो ना, आप लोग टैबलेट्स लेते हैं ना तो एक बॉक्स के अंदर टैबलेट आती है, अब ये उस बॉक्स की बात कर रहे हैं, या उससे बड़ा बॉक्स होगा तो अब उस बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो उसमें कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है, इसमें बस ये कह दिया गया है कि आप उसे मुनासिब तरीके से पैक करके सेल के लिए दे दें, ठीक है। अब दोबारा पढ़ लीजिएगा तो शायद अभी चीज क्लियर हो जाए। यहाँ पर बात अब लेबलिंग की शायद नहीं आ रही है, यहाँ पर अब पैकिंग की बात आ रही है। लेबलिंग की बात जो कुछ भी है ऊपर के जो 10 सब रूल्स हैं, 10 रूल्स हैं उधर मेंशन कर दिया है। 12th में पैकिंग के हवाले से कहते हैं कि चूंकि अब इमीडिएट कंटेनर की बात नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी आप इमीडिएट कंटेनर पे दे चुके हो, आप सेकेंडरी कंटेनर्स पे आपको आप पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, सुटेबली आप पैक करो और सेल कर दो। क्योंकि पेशेंट के पास जो जाएगा टैबलेट निकालने के लिए, ब्लिस्टर को जो अनपैक करेगा तो उधर लेबल मौजूद है, ठीक। अच्छा, अब जरा नंबर 13 में
जरा देखिएगा, मैन्युफैक्चर फॉर एक्सपोर्ट। अब ये एक्सपोर्ट के हवाले से बात हो रही है कि आप किसी ड्रग को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उस पर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। जुमला शुरू कहाँ से हो रहा है? नथिंग कंटेंड रूल्स 3-12 शैल अप्लाई टू ड्रग मैन्युफैक्चर फॉर एक्सपोर्ट। इसका मतलब है कि जो ड्रग आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें रूल नंबर 3 से इससे पहले 12 तक के कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। ठीक, इन पर रूल अप्लाई नहीं होंगे तो फिर आप क्या करेंगे? अब देखें इसको पढ़ते हैं। Which has been adopted to meet the specific requirement of the country. Label shall bear the following particular. Okay. Summary अगर इसकी बनाए तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर तो जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं उस कंट्री की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग लेबल, तो आप इस रूल को ओवर रूल कर देंगे। इस रूल में जो इस रूल्स में जो रूल नंबर 3-12 लिखा हुआ है इन्हें कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री की रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा करें, लैंग्वेज के लिहाज से, कंटेंट के लिहाज से। रिक्वायरमेंट हो सकता है उनके पर्टिकुलर ज्यादा हो सकता है वहां पर, फॉर एग्जाम्पल एक्सीपियंट मांगे जा रहे हो कि आप लेबल पर लिखें आपने इस ड्रग के अंदर कौन से एक्सीपियंट इस्तेमाल किए हैं। उसके साथ बस ये कर दिया है कि ये तीन चीजें जरूर मौजूद होनी चाहिए। ड्रग का नाम जरूर मौजूद होना चाहिए, मतलब उनके जो भी रूल्स होंगे उस कंट्री के लेबलिंग रिक्वायरमेंट, जहां पर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वहां की जैसी भी लेबलिंग रिक्वायरमेंट होगी। इन एडिशन टू दैट ड्रग का नाम भी मौजूद होना चाहिए, जहां पर मैन्युफैक्चर आपने किया है मैन्युफैक्चरर का नाम और उसका एड्रेस भी मौजूद हो, और बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी जरूर मौजूद हो, ताकि कोई भी वजह हो, किसी भी तरीके से ड्रग रिटर्न हो रही है या ट्रैक करना हो तो फिर आप इन चीजों से, इन तीन पर्टिकुलर्स के जरिए आप ट्रैक कर सकें। ट्रैकिंग आप कैसे करेंगे? ट्रैकिंग इसी तरीके से करेंगे ना, मैन्युफैक्चरर का नाम तो पता हो, एटलीस्ट मैन्युफैक्चरर का नाम पता होने के बाद आपका बैच नंबर तो पता हो, तो इसके बाद ही आप ट्रैक कर सकेंगे। तो ये बात हो रही थी एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट पे वो रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, एक्सपोर्ट पे वो रूल्स अप्लाई होंगे जो वर्डिंग्स यहाँ पे लिखी हुई है, to meet the specific requirement of the country to which the drug is exported. For example, आप यहाँ से सोमालिया ड्रग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सोमालिया की जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी उनकी जो लेबल रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी करनी पड़ेगी आपको, आप इससे रूल नंबर 3-12 को भूल जाएं। लेकिन सोमालिया की रिक्वायरमेंट के साथ साथ इन एडिशन टू दोज उसमें ये चीज़ें जरूर मौजूद होनी चाहिए। आमतौर पर हर जगह की रिक्वायरमेंट चीज़ें मौजूद होती हैं, अगर नहीं भी होंगी तो आपको ये चीज़ें जरूर मैंशन करनी है। इसी तरीके से हम और आगे आते हैं रूल नंबर 14, आखिरी रूल है। इस रूल में एग्जेम्पशन है। अब एग्जेम्पशन क्यों है? एग्जेम्पशन है उन ड्रग्स के लिए जिन्हें आपने डिस्पेंसरी में, आपने फार्मेसी में खुद बनाया है, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन वाली ड्रग्स हैं। अगर हम रिकॉल करें तो जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो डेफिनेशन में अंडर सेक्शन 3 आपने मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन पढ़ी थी। मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में आपने एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन को जो कि आप डिस्पेंसरी में या फार्मेसी में कर रहे हैं उसे एक्सक्लूड किया था। यहाँ पर भी ऐसी प्रिपरेशंस को लेबलिंग रिक्वायरमेंट से एक्सक्लूड कर रहे हैं। इसमें बैच नंबर यकीनन आप नहीं दे सकते, एक्सपायरी आप एग्जैक्ट एक्सपायरी नहीं देते क्योंकि आपने यहाँ पर कैलकुलेशंस नहीं की हुई। मैन्युफैक्चरर का नाम, प्लेस, इसकी जगह कुछ और आप देंगे। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर आपके पास नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है, तो ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। ये पर्टिकुलर्स आप दे नहीं सकते तो मिसब्रांडेड ड्रग कहलाएगी। तो उसका तरीका निकाले कि जो आपने फार्मेसी में कंपाउंड की है, ड्रग डिस्पेंस कर रहे हो, उस पर ये रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी लेबलिंग की, बल्कि लेबलिंग की रिक्वायरमेंट ये वाली होगी। नाम और एड्रेस हो, सप्लायर ऑफ द ड्रग, फार्मेसी का नाम लिख दें आप, ड्रग का नाम लिख दें, जिस पेशेंट को आप दे रहे हो उस पेशेंट का नाम लिख दें। आपने इसको कहीं ना कहीं रजिस्टर किया होगा ना कि मैंने ये प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस की है, उस प्रिस्क्रिप्शन का आपने कहीं रिकॉर्ड रखा होगा। जो आपके पास जो सेंट्रल रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आप मेंशन करते हैं ताकि बाद में अगर ट्रैक करना हो ना तो पता चले कि ये नाम तो आ गया पेशेंट का, अब पेशेंट का नाम कहाँ ढूंढते फिरोगे। तो स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन नंबर आपके पास हो। ड्रग इंटरनल यूज के लिए है, एक्सटर्नल यूज के लिए है, तो जो भी है वो आप टेक्स्ट मेंशन करेंगे, आपको वो टेक्स्ट मेंशन करना जरूरी है। इंटरनल यूज के लिए ड्रग है तो इंटरनल यूज आप लिखें, एक्सटर्नल यूज के लिए है तो आप एक्सटर्नल यूज का लिखें, और अगर उसमें किसी किस्म का सब्सटेंस है जो कि शेड्यूल के अंदर मौजूद है तो फिर आप पॉइजन फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली जरूर लिखेंगे। तो एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन में क्या चीज़ें आ गई, नाम लिखेंगे, पेशेंट का नाम यहाँ पर जरूर आएगा जो कि दूसरी ड्रग्स में नहीं आ रहा था, प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर की बात आएगी, डोजेज की बात आएगी, और इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के हवाले से चीज़ों की बात आएगी। ठीक, यहाँ पर बात हुई है लेबल की। अच्छा, अब
एक चीज जरा सा आप लोगों से, एक सवाल तो नहीं, एक चीज बस शेयर करूंगा। आप लोग जरा देखिएगा, एक काम कीजिएगा, ब्लिस्टर्स होते हैं, ब्लिस्टर्स या स्ट्रिप्स टेबलेट या कैप्सूल की, उसमें आप गौर कीजिएगा कि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिंट हुई भी होती है, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन चूंकि ब्लॉक कटता है ना, तो इन्फॉर्मेशन ब्लॉक कभी आधा आता है कभी पूरा आता है। अगर आप लोग गौर करें, इस वक्त मेरे पास इमेज नहीं है और इसी पर बात जहन में, वरना शायद मैं कोई इमेज मैं निकाल के रखता। इसमें बस आप ये गौर कीजिएगा कि बजाहिर ये लग रहा होगा कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्लॉक जो ब्लिस्टर के ऊपर मौजूद है वो मौजूद नहीं है, कट रहा है या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। किसी भी एक ब्लिस्टर को आप उठा के देखिएगा, किसी भी एक ब्लिस्टर को, और उसमें स्टेप बाय स्टेप सब क्लॉज वन से लेकर सब क्लॉज मेरे ख्याल आई तक है, वहां तक आप मार्क करते आइएगा कि तमाम चीजें मौजूद हैं या नहीं है, तो वो डेफिनेटली मौजूद होंगी, उसके बगैर मार्केट में ड्रग आ नहीं सकती है। यहां तक अगर किसी किस्म को कोई कमेंट है तो काइंडली शेयर कर लें। सिर्फ मैं इसके बाद जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट का सिर्फ एक हल्का फुल्का सा मैं एक ओवरव्यू देके इस सेशन को मैं एंड कर दूंगा। किसी भी किस्म का कोई कमेंट है तो काइंडली वो शेयर कर लीजिए आप लोग, कोई भी कमेंट। कोई कमेंट है तो शेयर कर लें। कोई कमेंट नहीं है, ठीक है, सही है। अच्छा, इसके बाद ही अगर आप देखें तो स्क्रीन पे अगर आप थोड़ा सा और करें, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग के पास? यस ओके, सर ठीक है, सही है। स्क्रीन पे आपको क्या नजर आ रहा है? ये कोई टेक्स्ट नजर आ रहा होगा, किसी किस्म का जी कोई सर टेक्स्ट है, कोई SRO का स्टार्टिंग है? जी सर ठीक है, ये कहीं पर अमेंडमेंट है, किसी अमेंडमेंट की बात हो रही है ये? अगर हम टेक्स्ट पढ़ें, ये कहीं किसी किस्म के अमेंडमेंट की बात हो रही है, कुछ रूल्स की एक्सटेंशन की बात है, किसकी बात हो रही है? यस सर, ड्रग सर लेबलिंग लेबलिंग और एंड पैकिंग रूल्स। पैकिंग के रूल्स की अमेंडमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, मतलब यूं समझे कि जो रूल्स आप लोग अभी पढ़े हैं ना, बिल्कुल अभी पढ़े हैं, यकीनन आप इसको दोबारा पढ़ोगे, क्योंकि अभी तो एक एक क्विक रीडिंग ली है हमने, आप इन्हें दोबारा पढ़ेंगे। ये रूल्स है 1986 के, तो अब आप जरा डेट देखें, 2 मई 2017, 2 मई 2017 को ये नोटिफिकेशन आया है। इवन आप इसको ड्रैप की वेबसाइट से वेरीफाई कर लीजिएगा, ये SRO नंबर लिखा हुआ है प्रॉपरली, और उसमें इन्होंने कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ड्राफ्ट अमेंडमेंट का, कि ये तो ड्राफ्ट है, फाइनल अमेंडमेंट तो नहीं है। तो इसमें होता ये है, देखते हैं इसको कि क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। चेंज किया आया है, चेंज आज हम डिस्कस शायद ना कर सकें, अगले सेशन में इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बस इसको ये देख लें कि अमेंडमेंट जो आती है, अमेंडमेंट किस तरीके से आती है। टेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे, ये टेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। द फॉलोइंग ड्राफ्ट ऑफ सर्टेन फर्दर अमेंडमेंट इन द ड्रग्स लेबलिंग पैकिंग रूल्स 1986, ये वही रूल्स जो कि अभी आप पढ़ रहे थे, विच आर प्रपोज्ड टू बी मेड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय द सेक्शन 23 ऑफ द। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 23 ऑफ द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, पढ़ते हैं अभी इन सबको भी देख लेते हैं। रीड विथ क्लॉज ए एंड क्लॉज टी ऑफ सेक्शन 7 thereof and section 43 of drug act 1976 is hereby published as required by subsection 3 thereof for the information of all person likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the draft will be taken into consideration after 15 days of its publication in the official gazette. अच्छा, अब इस पूरे में उलझा नहीं रहा मैं, कोशिश करता हूँ मैं कुछ चीजों को सिंप्लीफाई कर दूँ। इसमें सिर्फ ये बताया है कि एक ड्राफ्ट है लेबलिंग पैकिंग रूल्स में अमेंडमेंट का, कि
जो रूल्स आपने पढ़े इसमें अमेंडमेंट 2017 में आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं, और ये सजेस्ट कौन कर रहा है, रूल्स में अमेंडमेंट कौन करता है, रूल्स में अमेंडमेंट कौन करता है, आप लोग ऐड करेंगे, शेयर करें रूल्स में अमेंडमेंट कौन करता है? फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मतलब यहाँ पर पार्लियामेंट इन्वॉल्व नहीं हो रही है रूल्स में, तो ये रूल्स, इस रूल्स में अमेंडमेंट फेडरल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। फेडरल गवर्नमेंट को प्रपोज कौन करेगा? कंसर्न मिनिस्ट्री। तो ये कंसर्न मिनिस्ट्री की तरफ से प्रपोज होना चाहिए। अब अगर आप इसे गौर से देखें, अब स्क्रीन पर नजर आ गया होगा आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री का नाम आ गया, किस मिनिस्ट्री ने ये प्रपोज किया है। तो ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, या ये हेल्थ के से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज के अंडर सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसके अंडर आता है। तो इस मिनिस्ट्री ने ये रूल्स प्रपोज किए। अब ये रूल्स प्रपोज करने की पावर इनके पास कहाँ से? ये पावर इनके पास, इन्होंने तीन जगह पर लिखी हुई है कि ड्रैप एक्ट का सेक्शन 23, उसमें ये पावर इन्हें दी गई है, और इसी तरीके से ड्रैप का ही, क्योंकि कंटिन्यूशन में आ रहा है, पहले देखने चलें, पावर्स कॉन्फर्ड बाय सेक्शन 23 ऑफ द ड्रैप एक्ट रीड विद क्लॉज ए एंड क्लॉज टी ऑफ सेक्शन 7, कौन सा एक्ट? इसी एक्ट की बात कर रहे हैं। तो ड्रैप के सेक्शन 23 में पावर दी है, और सेक्शन 7 के ए और टी में पावर दी है अमेंडमेंट की, और सेक्शन 43 ऑफ ड्रग एक्ट 1976 में पावर दी है। अगर आप क्विकली ड्रग एक्ट 1976 से सेक्शन 43 को रिकॉल करें, तो उसमें पावर टू मेक रूल्स है इसकी हेडिंग। तो इन तीन चीजों को मिलाकर कहा है कि इन, चूंकि हमें ये पावर दी गई है कि हम रूल्स बना सकते हैं, इसलिए इन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए हम इन रूल्स में ये अमेंडमेंट प्रपोज कर रहे हैं, और ये अमेंडमेंट 15 दिन के लिए मतलब आपके सामने है। आपको इसके हवाले से किसी भी किस्म का कोई सजेशन देना है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज नहीं है, कोई चीज आई जिसे कंसिडर करना चाहेंगे, करना मतलब ऐसे मामला है जो कि उस वक्त नहीं सोचा गया था, बाद में किसी ने पॉइंट आउट किया, तो उसे कंसिडर किया जाएगा, वरना उसके बाद से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, ठीक। तो क्या मैं ये उम्मीद रखूं कि ये सेक्शन 23 ऑफ ड्रैप एक्ट और सेक्शन 7 क्लॉज ए क्लॉज टी आप लोग देख लेंगे, क्योंकि रेफरेंसिंग का रिकॉर्डेड लेक्चर भी है और आप लोग, मेरा ख्याल है आप देख सकते हो। यस सर। ठीक है, और ये जो ड्रग एक्ट 1976 का सेक्शन 43 है, तो मेरा ख्याल है इस सेशन में भी और रिकॉर्डेड सेशन में भी स्क्रीन से गुजरा जरूर है। तो यहाँ पर सिर्फ ये तस्करा है क्या कहा, पावर क्या है। अच्छा, बस एक या दो चीजें मैं आपसे बस डिस्कस करना चाहूंगा, मैं सेशन एंड करना, अब थोड़ा सा हैवी हो रहा है। आप ये देखेंगे अमेंडमेंट क्या है। अमेंडमेंट ये है कि पहली अमेंडमेंट ये कह रहे हैं कि इन रूल टू आफ्टर क्लॉज डी, किसकी बात हो रही है? रूल टू किसका? लेबलिंग पैकिंग रूल्स 1986 का। ये कह रहे हैं कि रूल टू में क्लॉज डी के बाद आप एंड का वर्ड एंड शैल बी ओमिटेड, आप एंड को हटा दें। अब मैं जरा इस पे जा रहा हूँ, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि रूल टू में क्लॉज डी के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है एंड, इसे हटा दें। जरा देखते हैं रूल टू में जाके, बिल्कुल ऊपर ही है, अमेंडमेंट प्रपोज क्या की, अमेंडमेंट प्रपोज ये की कि जो रूल टू है डेफिनेशंस है, डेफिनेशन में डी, मेरा डी, इसके बाद जो वर्ड आ रहा है एंड का, इसे हटा दें। ये अमेंडमेंट प्रपोज की है, क्योंकि डेफिनेशंस बढ़ाई गई हैं वहां पर, डेफिनेशन बढ़ाई गई हैं, तो एंड के बाद तो फिर लास्ट वन आता है ना, लास्ट डेफिनेशन आती है। अब वो कह रहे हैं कि ई के बाद भी आपको मजीद डेफिनेशन ऐड करनी है, तो फिर आप यहां से एंड हटा रहे हैं। ये अमेंडमेंट प्रपोज की है। अब दोबारा देख लें इसे यहां आके, इन रूल टू आफ्टर क्लॉज डी द वर्ड एंड शैल बी ओमिटेड, एंड आफ्टर क्लॉज ई, डी पर अभी हमने एंड का ओमिशन देखा था, उसके बाद कह रहे हैं कि क्लॉज ई में के बाद ये क्लॉजेस ऐड हो जाएंगे। तो यूं समझ लें कि वहां पर ई क्लॉज के बाद ये तमाम चीजें, अगर आप लोग इसको बनाएंगे, बनाने की आप लोग अगर कोशिश करें टेक्स्ट वेक्स को, तो ये तमाम डेफिनेशंस उसके बाद ऐड होती जाएंगी। सिंपली यहां से कॉपी करके आप पेस्ट कर देंगे उसके नीचे, कहां तक? यहां तक, डब्ल्यू तक, ठीक। तो
1986 के जो ओरिजिनल रूल्स हैं वहां पर डेफिनेशन कहां तक थी, वहां पर डेफिनेशन थी क्लॉज ई तक, और 2017 में जो अमेंडमेंट प्रपोज की है, अमेंडमेंट प्रपोज करने के बाद अब ये डेफिनेशन चली गई है कहां तक, डब्ल्यू तक। ये इस चीज को ध्यान में रखिएगा, अमेंडमेंट इसी तरीके से आती है। ठीक, अब जब ये अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद फिर जब नया प्रिंट आएगा तो इन रूल्स को एक जगह कंपाइल कर दिया जाएगा। जैसे ये एक्टिविटी मुझे आप लोगों से करानी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस टेक्स्ट को जहां जहां पर पुराने रूल्स में इंसर्ट करना, वहां पर आप इंसर्ट करके इसे वन यूनिट बना देंगे, हमें बार बार आके देखना नहीं पड़ेगा। तो इस वक्त हम जहन में यही रखते हैं कि जो अमेंडमेंट्स आई हैं, पहली अमेंडमेंट क्या आई है, पहली अमेंडमेंट क्या आई है कि आपने डेफिनेशंस बढ़ा दी हैं, एंड का वर्ड हटा दिया है, क्योंकि एंड का वर्ड अगर हटा तो ग्रामेटिकली ये सही नहीं होता, और ई के बाद से आपने एफ से लेकर डब्ल्यू तक की डेफिनेशंस ऐड कर दी हैं। अब इन डेफिनेशंस को जरा सा पढ़ेंगे रफली, अगर आप देखें तो जनरली इसमें नटशेल में है क्या, हमने बारकोड की कंडीशन लगा दी है, बारकोड की कंडीशन लगा दी है, टर्मिनोलॉजी थोड़ी इन्हांस कर दी है, ट्रैकिंग का तरीका लेकर आए हैं, और ये सब, इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सब का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप स्पूरियस ड्रग और काउंटरफीट ड्रग को जरा सा उन्हें कंट्रोल कर सके। इसी तरीके से रूल थ्री के बाद, अब ये बी है, रूल थ्री के बाद फिर थ्री ए इंसर्ट किया। थ्री ए क्यों इंसर्ट किया इसके बारे में आप क्या कहेंगे, यहाँ पर फोर भी हो सकता था, फाइव भी हो सकता था, थ्री ए ही क्यों आया, बस ये इसका जो भी आपके जहन में जवाब है वो शेयर कर लें, फिर बस मैं एंड कर रहा हूँ इसमें। यहाँ सर क्योंकि थ्री के बाद फोर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, तो बिल्कुल ठीक है, सारी नंबरिंग पूरी सारी चेंज करनी पड़ेगी इसलिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, मैं इसको इसी चीज से मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। अगर आप इसको फोर कर देते तो फिर या तो फिर जो ऑलरेडी फोर मौजूद था उसे आप फाइव कर दें, सो ऑन, सारे के सारे नंबर चेंज होते। तो जो डिसीजन आपके जा चुके हैं, रिकॉर्डेड डिसीजन हैं 2017 से पहले के लॉ में, सॉरी लॉ कह रहा हूँ, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, बाद में कोई पढ़ता तो वो डुप्लीकेशन होती कि कौन से रूल के तहत फैसला दिया था। तो आमतौर पर यही करते हैं कि जब भी बीच में कोई रूल ऐड करना पड़ता है ना, तो सेम नंबर रखते हैं, उसे ए बी सी कर देते हैं या 1 2 3 कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि बाद के आने वाले नंबर्स पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, अब जैसे डेफिनेशन आपके पास मार्जिन था, आखिरी डेफिनेशन थे, आखिरी डेफिनेशन के बाद सारी डेफिनेशन डाली और सिर्फ अल्फाबेटिकली आपने अरेंज नहीं किया इसे, ये इस बात पर गौर कीजिएगा। अब आप डेफिनेशन को देखिएगा ना, आप डेफिनेशन को देखें, यहाँ तो सारी सीरियल नंबर के लिहाज से हैं, लेकिन ए बी सी डी वो सीरियल नंबर के लिहाज से नहीं होंगी, ई के बाद से, एफ के बाद से सीरियल नंबर है। ठीक, यहाँ पर रूल थ्री के बाद आपने फिर थ्री ए ऐड किया, और क्या ऐड किया इसमें, क्या चीजें, इसे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा चीजें ऐड नहीं हुई है, थोड़ी सी चीजें, तो कोशिश ये कीजिएगा कि अगली क्लास, अगला सेशन जब भी होता है, होपफुली कल प्लान है, तो अगर आप लोग इसे क्विकली पढ़ लेंगे ना, इनमें जितनी भी अमेंडमेंट है, टेबल वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप ये पूरा टेबल पढ़ेंगे, अगर आप इस टेबल को देख लें तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर टेबल को नहीं भी देख रहे हैं आपकी मर्जी है, टेबल पढ़ने से होगा कि अंडरस्टैंडिंग जरा से क्लियर हो जाएगी। हाँ, ये मैं जरूर कह रहा हूँ, ये वाला जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की एक क्विक रीडिंग जरूर ले लीजिएगा, ताकि आपको ये पता चले कि इसके अंदर क्या चीजें मौजूद हैं। जनरली इसके बाद से आपको बार कोड प्रिंट करना है। अब आप 2020 2019 में मैन्युफैक्चर होने वाली हर टैबलेट का, सॉरी नॉट टैबलेट, हर ड्रग का अगर आप लेबल देखें तो आपको उस पर क्यूआर कोड जरूर नजर आएगा। वो इसी वजह से, क्योंकि 2017 में लेबलिंग के हवाले से अमेंडमेंट आ गई है और ये अमेंडमेंट अब इम्प्लीमेंटेड है, इस वजह से आपको एक क्यूआर कोड नजर आएगा। अगर आप ड्रैप की साइड पर जाएंगे तो अगेन 2019 में एक दफा फिर इन्हीं रूल्स में अमेंडमेंट आई है, जो कि इस मैनुअल में मैंने शामिल नहीं किया, फिर अमेंडमेंट आई है। अमेंडमेंट ये कि बस इसमें टाइम पीरियड जो दिया था ना 2 साल का, वो टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दिया इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का कुछ चीजों में, खासतौर पर शिपिंग में। लेबल के ऊपर तो हो गया, अब लेबल के बाद फिर वो शिपिंग में करना था ट्रैक करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा दी है। ठीक है, फिलहाल हम इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, कोशिश कीजिएगा कि आज फ्रेंकली स्पीकिंग डल सेशन था आज का, क्वेश्चंस नहीं थे, इसको मैं किसी भी तरीके से पॉजिटिवली मैं ले लेता हूँ। अगले सेशन में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज के सेशन के हवाले से अगर किसी किस्म का क्वेश्चन होगा, काइंडली आस्क डिस्कस, कम से कम एक लेबल जरूर देख लें, घर में रखा हुआ या कहीं पर भी एक लेबल और आउटर पैकिंग जरूर देख लें, उसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। और ये जो अमेंडमेंट है आपके पास 2017 वाली अमेंडमेंट,
19 वाले अमेंडमेंट को डिस्कस नहीं कीजिएगा, 17 वाले अमेंडमेंट को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसको फिर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे क्विकली, कोशिश होगी कि एक सेशन में निपट जाए। इसके बाद फिर इरादा है एडवर्टाइजिंग रूल्स करने का, क्योंकि वो भी छोटे छोटे रूल्स हैं, छोटी छोटी चीज जल्दी कवर हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई कमेंट, कोई ऐसी चीज जो कि आप लोग डिस्कस करना चाह रहे हो, फिर मैं इसे फिर एंड करूं। दोबारा कहिएगा, मुझे आवाज सही समझ नहीं आई। नोटिफिकेशन में एसआरओ नंबर का पूछ रहे हैं? स्क्रीन शेयरिंग, अच्छा स्क्रीन शेयरिंग मैंने खत्म कर दी थी। देखिए अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, अगर आप मैनुअल देखेंगे ना तो मैनुअल में लेबलिंग पैकिंग रूल्स 1986 हैं, उसके बाद ही ये अमेंडमेंट्स मौजूद हैं। इवन अगर मैनुअल नहीं है या इसको ओपन करने में मसला, तो ड्रैप की वेबसाइट पर तो ये मौजूद है, बस जहन में रखिएगा कि आप 2017 वाले रूल्स अभी डिस्कस कर रहे हैं, 19 वाले रूल्स अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 19 में वैसे सच इतना ज्यादा चेंजेस आई नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल है कि मैं सेशन यहीं पर इसे एंड कर दूं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट सेशन में आप लोग बेहतर इनपुट दें, एक बेहतर इंटरेक्टिव सेशन हो, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हो। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।